नमस्कार दोस्तों, आज जो है आपके लिए जो मैथ लाए हैं प्रीवियस ईयर वाला, जो एसएससी और रेलवे का सबसे दुलरुआ है टॉपिक घातांक और करनी, अक्सर यहां से हर साल एग्जाम में आता ही आता है, चाहे एक मैथ हो या दो मैथ हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी ऐसा रूट आता है परीक्षा में मैथ में, तो बच्चे की जो सांसें हैं, धड़कने हैं, वो तेज हो जाता है। क्यों? वर्गमूल से बहुत डर लगता है, तो डर हो जाएगा खत्म और मैथ हो जाएगा बिल्कुल हलवा। बस आपको थोड़ा सा स्क्वायर निकालना आना चाहिए और रूट निकालना आना चाहिए। देखिए कैसे ही मैथ जो है भगा भगा के, धुआं उड़ा के, दम पकड़ कर किसका आंसर लाएंगे। तो देखिए पहला मैथ को दम धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे दम। तो करना क्या है, 196 है, तो किसका ये स्क्वायर सोचिए। तो ये लगता है 14 के है, तो 14 के स्क्वायर है, तो मतलब 14 यहां से निकलेगा बाहर है। ये 14 जब निकलेगा यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा 107 के, तो 107 ही जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 121। 121 किसका है, तो कहेंगे सर ये लगता है 11 का है, मतलब ये 11 हो गया। 11 यहाँ प्लस होगा 214 में, तो 214 में 11 होगा तो 225 हो जाएगा, तो 225 किसका है, तो कहेंगे 15 का है, यानी कि इसका जो आंसर है 15 हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर इसका भी देख लेंगे, 144 किसका है, तो कहेंगे 12 का है, यानी 12 यहाँ प्लस हो जाएगा तो 52 में कितना हो जाएगा, 64 किसका निकलेगा, 8 का, 8 यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा 256, तो 256 किसका हो जाएगा, तो 256 जो है 16 का होता है स्क्वायर रूट, हो गया कितना 16 आंसर, बिना कलम कॉपी का बन रहा है, नो पेन नो पेपर, बिल्कुल हलवा वाला मैथ, मैथ का डर का होगा अब खात्मा। चलिए अब इसको भी देखिए, भी भागेगा भागेगा, मत जाओ बना देगा सब बच्चे लोग। अब 49 है, 49 किसका निकलेगा, तो 7 का, यहाँ से 7 निकला, 7 ग्राम में जुटेगा तो 29 और 7 36 निकलेगा, तो 36 का 6 निकलेगा तो 6 19 में जुटेगा, 19 और 6 25 का निकलेगा 5 यहाँ जुटेगा तो 11 5 16 का निकलेगा 4, तो 5 और 4 9, और 9 किसका अंडर उठे, तो कहेंगे 3 का, आंसर डी। आई पूछा हुआ देखिए, पटना में, हाजीपुर में, एस एस सी सी पी एम में 99, 2002, 2004, 2011, 2009 दम कच्चाहीन कर दिया, इसलिए आप भी दम बढ़िया से पढ़े और मैथ को दम हलवा बना देंगे। चलिए आखिरी बचा, नो पेन नो कागज नो पेपर, दम ऐसी मुंह जवानी बन रहा है मैथ। यहाँ कितना है, 81 का कर निकलेगा 9 का, तो 9 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, न प्लस है न माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो 81 है और 9 से गुना होगा तो फिर 9 में 81 हो जाएगा, तो 9 फिर निकलेगा बाहर, तो 9 वगैरह में जुटेगा तो 40 और 9 49 के फिर निकलेगा कितना, तो 7, आंसर सी। आप इसका स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा सर, तो मुझे जवानी बन गया। तो बस ये रहा बहुत ही नन्ना सा छोटा सा टॉपिक था, अक्सर यहाँ से रेलवे में या एसएससी में एक क्वेश्चन आता ही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले बार कोई नया टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आ रहे हैं मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।